वेलकम व्यूअर्स इन द वीडियो ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज फॉर मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रॉब्लम नंबर दो के अंदर हमें बताया जा रहा है कि एक कैथोड रे ट्यूब है जिसको हमने हॉरीजेंटली सेट किया है विथ एक्सेज अलोंग नॉर्थ एंड साउथ और उसको हमने सराउंड किया है मैग्नेटिक शील्ड से ताकि उसपे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड या कोई जो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड हो वो उस पर असरअंदाज ना हो सके अगर वोल्टेज अक्रॉस द ट्यूब हमने 900 हंड्रेड दिया है और इलेक्ट्रॉन गन से लेके स्क्रीन तक जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है और उसके साथ साथ अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड सारी मैग्नेटिक फील्ड नहीं देगी वर्टिकल डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका कंपोनेंट है 0.45 पॉइंट फोर फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस फोर वेबर पर मीटर स्क्वेयर तो आप कैलकुलेट करें कैलकुलेट बाय हाउ मच द स्पॉट ऑन द स्क्रीन विल मूव व्हेन द मैग्नेटिक शील्ड इज रिमूव्ड जब ये मैग्नेटिक शील्ड रिमूव की जाएगी तो डेफिनेटली ये मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की उन चार्जेस पे असर अंदाज़ होगी और जब असर अंदाज़ होगी तो उस कंडीशन में उनका जो स्पॉट है वो ओरिजिनल प्लेस से कितना शिफ्ट होगा आप ये डिस्टेंस मेयर करके बताएं जो डेटा हमें प्रॉब्लम में दी गई है वो हमने यहाँ पे नोट कर ली है वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये है वोल्टेज ये है एक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है कैथोड रेट ट्यूब के अंदर जो इलेक्ट्रॉन गन है वहां से लेके स्क्रीन तक का डिस्टेंस जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी और ये वाई वर्टिकल जो आ, वर्टिकल डायरेक्शन में या किसी भी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में भी आप कह लें जो मूव होगा स्पॉट वो हमने मेजर करना है ये वाई एक हमने वेरिएबल दे दिया है जरूरी नहीं कि वो वाई डायरेक्शन में ही डिस्टर्ब हो वो जी डायरेक्शन में भी डिस्टर्ब हो सकता है लेकिन हमने उसको मेजर करने के लिए जो सैम्बल दी है वो वाई दी है ओके okay. तो अब स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना तो पहले हम इसका डायग्राम जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं ये हम एक कैथोड रे ट्यूब ले रहे हैं ये हमने एक कैथोड रे ट्यूब में इलेक्ट्रॉन गन ली और इलेक्ट्रॉन गन आ, में अगर हम आ, ऐसा कह लें कि इलेक्ट्रॉन्स को मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो वो इस तरह से कर्वेचर पाथ में आएंगे लेकिन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड ना दें और ये स्क्रीन है मैग्नेटिक फील्ड में से ना गुजारे तो उनका जो पाथ होता है इस तरह से स्ट्रेट होता है लाइक like दिस इस तरह से स्ट्रेट पाथ होता है अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी तो इस तरह का पाथ होता है कर्वेचर इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक uh, फील्ड में अपोजिट टू दी पॉजिटिव चार्ज डिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं हमने ये एक रिप्रेजेंटेशन दे दी है कि लेट से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं अब हमें यही देखना है कि ये डिस्टेंस जो है ना कितना हो सकता है अगर इस लाइन को हम नीचे ले आए और कहें कि लेट से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना और यहाँ पे हमें सबसे पहले जो चाहिए होगी चीज़ वो ये कि इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहे हैं और जो उसकी वेलोसिटी है वो हम इस इक्वेशन से देते हैं कि uh, जो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन होती है उससे ये दी जाती है अब यहाँ पे हमने फिगर को भी असेंबल कर लिया है कि ये इलेक्ट्रॉन गन है अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन सीधा जाएगा बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस तरह से कर्वेचर बनाएगा तो स्क्रीन पे ये डॉट पहले यहां पे आना था अब वो स्क्रीन पे डॉट यहां पे आएगा तो आपको ये पाथ ये डिस्टेंस ही मेजर करना है कि कितना ये डिस्टेंस होगा अगर मैग्नेटिक शील्ड रिमूव की जाएगी तो. तो उसके लिए हमें सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कि वेलोसिटी कितनी होती है क्योंकि उसी के थ्रू हम फिर मेयर कर सकेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो कर्वेचर बनाया रहा है उसका रेडियस कितना होगा वो रेडियस ये डिस्टेंस नहीं है लेकिन पहले हम इस कर्वेचर का रेडियस मालूम करेंगे रेडियस के बाद ही हम कोई और आगे जो फर्दर डिटर्मिनेशन uh, है वो कर सकते हैं वेलोसिटी डिटरमाइन करने के लिए ये इक्वेशन हमने इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करना शुरू किए जो वैल्यूज हमने सब्सिट्यूट किए हैं आप देख सकते हैं कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये वोल्टेज 900 हंड्रेड वोल्ट है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो रिजल्ट क्या मिल रहा है रिजल्ट इज वन पॉइंट सेवन सेवन इंटू टेन टू दावर सेवन मीटर पर सेकेंड ये स्पीड आ रही है इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन ने गेन की ओके okay? अब जब ये स्पीड आ गई तो इसकी बेसिस पे हम रेडियस मालूम करेंगे आपको रेडियस मालूम करने की इक्वेशन पता है एम वी ओवर क्यू बी साइन थीटा होता है लेकिन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है इस वजह से साइन थीटा नहीं आएगा अब यहाँ पे आर की वैल्यू डिटरमाइन कर, करने के लिए अगेन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके बाद विलोसटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिवीजन में हमने ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दिया और मैग्नेटिक फील्ड भी हमने यहाँ पे प्लेस कर दी जो वर्टिकल डायरेक्शन में दी गई है अब रेडियस की वैल्यू हमें मिल रही है 2.23 मीटर ये मिल गई मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन कर्वेचर बना रहे हैं वो कर्वेचर का रेडियस अब हम क्या करेंगे अब हमें डिटरमाइन करना है कि वाई कितना है मतलब जो डिफ्लेक्शन आ रही है जितना स्पॉट मूव कर रहा है वो कितना है उसके लिए हम एक पहले कंसिडर करते हैं कि ये कर्वेचर जो है एक सर्कुलर पार्ट एक सर्किल का कोई पार्ट है जब सर्किल का कोई पार्ट है तो हम एक सर्किल कंसिडर करेंगे ये हमने एक सर्किल कंसिडर किया जिसका अगर डायमीटर लिया जाए तो वो ये डायमीटर है और अब अगर हम यहां से एक लाइन लगा दें जिसको कहा जाता है कॉर्ड ये कॉर्ड है तो यहां पे आप देखें कि सिस्टम थोड़ा रिजेंबल हो रहा है वो किस तरह से ये पाथ और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का टुकड़ा दोनों एक जैसा बिहेवियर रख रहे हैं यहाँ पे देखें आप ये जो पार्ट है ये जहां पे कर्सर आपको नजर आ रहा है ये कर्सर वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है ये दोनों आपको एक तरह से सिमिलर सिमिलर जो है ना महसूस हो रहे होंगे तो अभी और अगर इसकी सिमिलैरिटी देखनी है तो सिमिलैरिटी देखने के लिए मैं वो ऊपर वाली सीधी लाइन भी लगा देता हूँ ये सीधी लाइन भी मैंने लगा दी और उसके बाद ये देखें ये वही डिस्टेंस ये सेम ये टुकड़ा बिल्कुल इस टुकड़े के बराबर मिल रहा है तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको डिटरमाइन करने के लिए अः ऐसा करेंगे कि यहाँ पे इसको हम नाम देना शुरू करते हैं कौन कौन से नाम ये जो डिस्टेंस है ये तो वाई है इसको नाम दे दिया है हमने ये वाई है जब ये वाई है तो ये भी वाई हो गया ठीक है ये वाला पार्ट जहां पे कर्सर है इस वक्त ये भी वाई हो गया तो ये सारे का सारा डायमीटर था जिसको हम टू आर कह सकते थे अब ये जो नीचे वाला टुकड़ा बच रहा है ये क्या है ये है टू आर माइनस वाई ये टू आर माइनस वाई हो गया ये वाई हो गया ये इसके दो टुकड़े हो गए यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस था उसको हमने कहा x तो ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, तक और ये डिस्टेंस इक्वल है और ये डिस्टेंस भी उसके इक्वल है ये भी x हो गया ये भी x हो गया इसके भी दो टुकड़े हो गए तो इसको कहा जाता है कॉर्ड, इसको कहा जाता है डायमीटर सारे को कंप्लीट। अब डायमीटर के दो टुकड़े हो गए और कॉर्ड के भी दो टुकड़े टू डायमीटर वो हम जो है ना थ्योरम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वो थ्योरम ये आ गया ये इंटरसेप्स ऑफ कॉर्ड को हमने मल्टीप्लाई किया जो कि इक्वल है किसके इंटरसेप्स ऑफ डाया के ये डाया के दोनों टुकड़े हमने लिख दिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास इस तरह से रिजल्ट आ जाता है इसमें वाई स्क्वेयर जो है वो बहुत ही स्मॉल बन जाता है वाई वैसे ही स्मॉल है लेकिन उसका स्क्वेयर और भी स्मॉल बन जाएगा जिसकी वजह से हम इसको ख़त्म कर देते हैं और अगर वाई डिटरमाइन करते हैं ये वाई स्क्वेयर खत्म हो गया यहाँ पे वाई मालूम करना है तो टू आर इस तरफ मल्टीप्लाई करा उधर डिवाइड करेगा तो हमारे पास इक्वेशन आ गई ये एक्सर ओवर टू आर इक्वल इसमें करते हैं हमारे पास X की की हमने अभी अभी की है 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 मीटर और और उसको हमने अभी-अभी ये ये तो ये जब वैल्यूज हमने सब्सटीट्यूट की तो सब्सटीट्यूट करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो टू पॉइंट टू फोर इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री मीटर आ रहा है कि इतना स्पॉट जो है ना वो डिफ्लेक्ट होगा सो ये है प्रॉब्लम नंबर टू जिसको हमने पार्ट्स में जो है ना समझा और उसको सॉल्व किया